बजे गई थी गैस? अभी गई है। अभी हम लोग उठते और भानु ने चाय के लिए बोला तो गैस चली गई, पता नहीं कैसे। आंटी इस पे बना रही है चाय अब। ठीक है आंटी, परोस दो। और आज वैसे आपको आज पूरे दिन सूरज नहीं दिखने वाला है क्योंकि वो किसी काम से गया हुआ है, तो घर पे बस मैं, भानु, मीकू ही है। तो हम लोग काम करेंगे, मम्मी पापा भी आएंगे, मोस्टली गुटली भी आएगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। तो आज का दिन थोड़ा काम वाला होने वाला है। अरे हाय गाइस, हैं क्या तू कैसे आ गया? मैं ऐसे ही फ्री बैठा हूं। आ गए तू तो कहीं जा रहा था ना? कुछ नहीं हो गया प्लान, सो आई एम हियर। क्यों तू याद कर रही थी ज्यादा? तो क्या, मैंने कहा उसकी याद, वो मुझे याद कर रही है, मैं चला जाता हूं। और मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने तो बोल दिया था आज आप आओगे नहीं व्लॉग में, तो आज आप मत आना। तो तू क्यों आ रहा है? आप खुद जाओ। अरे यार थोड़ा सा प्लान था जो पोस्टपोन हो गया, इसलिए फिर आ गया। चलो देखा, मैं 3 घंटे क्या, 2-4 घंटे क्या फ्लैट से बाहर गया हूँ, गैस कट गई तुम्हारी। तुम क्या हो यार, तुम लोग? हमें तो पता ही नहीं गैस कट गई। तो सुबह अभी मैं मुंह धो के बैठी ना, तब आंटी ने मुझे बोला, बोले गैस कट गई। मैं क्या है, पर ऐसा हुआ क्यों? बिल पे नहीं करते ना ये, तेरी वजह से पागल। 2 महीने का बिल पेंडिंग है यार, मेरे से कोई मांगने नहीं आया बिल। वो बोला मैं आया था, कोई गेट ही नहीं खोलता, सुबह 9 बजे आते हैं वो। अरे यार ऐसा सुबह से ना फोन ही फोन आए जा रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं मूवी देखने के लिए, द केरला स्टोरी। गाड़ी लोग मूवी देखकर आ चुके हैं और मूवी देखने के बाद मन बहुत अजीब सा हो गया। इस मूवी में ये बताया कि ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और लास्ट में उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू देख के, मतलब आप ये मूवी देखोगे ना तो ऊपर से नीचे तक खेल जाओगे पूरा का पूरा। और मन बहुत ही अजीब सा हो गया, मतलब कि यार ये बहुत गलत हुआ था। अच्छा गाइस, आज मैच है। आज मैं थोड़ी अलग लेवल की अप्रोच से जा रहा हूँ एक्चुअली, है ना पास ना कुछ। पहले मैं क्या नॉर्मल, फिर मैं क्या वीआईपी, अब मैं वीवीआईपी। अच्छा मैच देखने जा रहा हूँ आज, तो नोनी है उनके साथ जा रहा हूँ, तो तुम लोग काम वाम करो, बाय। एक भी मैच मिस नहीं कर रहा हूँ देखो अभी तक। तो एक मैच मिस होगा जब अपन उड़ीसा होंगे, उससे पहले एक मैच है वो भी देख लेंगे। देख लेंगे भाई, किस्मत अच्छी अपनी। ओ माय गॉड करते हो कपड़े भी नहीं पहुंचाते तुम लोग। यार सूरज की मम्मी और आपकी आपके बस एक ही चीज है, हमारे तो कपड़े नहीं आए। चिंता रहती नहीं है किसकी? भाई कपड़े आज 4 दिन के हो गए तो कम से कम घर पहुंचा दे। अरे बताओ, अब हम काम की टेंशन रखे या कपड़ों की टेंशन? नहीं कपड़ों की टेंशन कौन रखेगा? नहीं हम क्यों रखेंगे? क्यों हम क्यों रखे? तो हम कैसे रखेंगे अपने कपड़े? तो फिर एक काम करो, आप एक काम करो, काम की टेंशन ले लो। काम तुम्हारा है, तुम करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। आपकी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा काम मैं कैसे कर सकता हूँ यार? हे भगवान, आपसे तो भाई जितना बेकार है। गाइस मेरी बात सुनो, अब जैसे कोई आता है घर में, खाली हाथ थोड़ी आता है। अब हमारे रिश्तेदार तो भाई हमारे तो बताशी लेके आते हैं रिश्तेदार। खाली हाथ आए हैं? खाली हाथ आए हो? रिश्तेदार कौन है तुम्हारे? हम रिश्तेदार है या माँ बाप है? तो क्या होगा? तो माँ बाप और रिश्तेदार में क्या फर्क है? हाँ काफी बड़ा फर्क है। रिश्तेदार तुम्हारे परेशान करते रहते हैं, घर वाले भी थोड़ा बहुत तो करते हैं। पताशी मंगवा लो तो डैडी से। मैंने कब मना? डैडी अब कम से कम पताशी को लेके आ सकते हो भाई। अब रात के टाइम देखो भाई, कोई बात नहीं। नहीं डैडी को तुम्हारे नौकर नहीं लग रहे? चल ना तू यार, पताशी वाला खड़ा। डैडी तुम्हारे नौकर नहीं लग रहे? नहीं जाएंगे नहीं जाए। अभी एक बार बताओ, मूवी देख के जब आते टाइम ले आते? अरे मूवी तो हम सुबह देख के आए थे। अभी की बात हो रही थी मम्मी, तो तेरी अभी बात। बात मैंने बताई मम्मी को भी, तो मम्मी को अभी देख के आई। मैं तो अभी काम करने बैठी हूँ, देखो रोल हो रहा नीचे। आज का जब से सुबह से उठते हैं ना, तब से काम स्टार्ट होता है और रात तक चलता है। उठते हैं से मतलब कितने बजे उठते हो? उठते हैं से मतलब तुम्हारा उठना ही 1 बजे होता है तो। अरे बाप रे, क्या सुनो, सुबह ज्यादा सबसे पहले तो 7 और 7 भी नहीं उठता तो 8, और 8 उठता तो 9 बजे सब उठ जाते हैं, समझ आए? किसको बेवकूफ बना रही है? भानु से पूछ लो। भानु भाई 1 बजे चुप रहे, 1 मिनट चुप रहे। हाँ अब बता। उठ जाती है 9 बजे, मीकू 1 बजे। हाँ मीकू तो 1 बजे, मीकू तो 4 बजे उठती है रात के, फिर दिन के। तो फिर तो भाई मीकू एवरेज कितना भाई? हम एवरेज 9 बजे उठते हैं। एक कार नो का एवरेज निकाल लो, कितने बजे उठते हो अब तुम? 10 बजे 11 बजे? अरे 9 बजे उठते हैं। तो फालतू बात नहीं करनी। अरे भाई भानु यकीन नहीं, अरे यार भाई हमें पता है ना तुम कितने बजे उठते हो। अरे भाई सुबह सुबह तूने फोन किया था मेरे को? आपको कर लिया फोन मैंने, बोले नाना जी का फोन आया। हाँ तो मम्मी के लिए आया था फोन है? हाँ। कितने बजे आया था? कल हम लोग 4 बजे सोए हैं इसलिए लेट उठे, वरना उससे पहले हम उठ रहे थे 7-8-9 बजे। तुम्हारा तो रोज का यही नाटक है। अरे तो डैडी आप एक बार बताओ, अभी वीडियो बनेगा, अभी टाइम क्या हो रहा है आप खुद देख लो। हाँ। और उसके हिसाब से तो दिन में करो काम। अरे तो दिन में दूसरे काम कर, अब बोलो ना ऐसा है
अपना डैमेज आदमी। हाँ डैमेज तो आप हो, ये तो है डैमेज तो हो। बताओ किसके साथ गया? सूरज किसी लड़की के साथ गया, उसकी मम्मी को फोन करो। अच्छा सूरज गया मैच देखने किसके साथ? अब बस आप लगा लो दिमाग, किसके साथ गया? किसके साथ गया भाई? मुझे क्या पता किसके साथ गया, मेरे को थोड़ी पता है। मेरे को क्यों बता के जाएंगे? मेरे को भी नहीं बता के। अब देखो किसी को नहीं बता के अगर सूरज गया है तो सोच लो। इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैं तो कहीं गई हुई थी, पीछे से निकला है वो। मतलब कहाँ गई हुई थी? मैं तो कहीं काम से गई हुई थी। कब? अरे जिस टाइम वो निकला। अरे तो टाइम भी तो होगा कोई, सुबह निकला शाम को निकला। अरे भाई को सुबह जब मैच चलेगा, अभी भी मैच चलेगा क्या? किसी तो ऐसे बात करते हैं तो टाइम बता। डैमेज हो डैमेज। तो टाइम बता मेरे को, तो बता दिया ना 8 बजे। 8 बजे गया ले अपना अपने कमल पता से आते तो चलो ये देखना इसकी बात सुनना। ले चलो तो आप घर में आए नहीं उसके पहले भगो। ऐसे ही ऐसे वहां ये करती है, घर में घुसता हूं अब ये सामान ले आना, फिर आता हूं अब ये। मोहल्ले में मेरे जैसा आदमी कोई नहीं है। हर पांच मिनट में मेरे को गाड़ी उठा के भगनी पड़ती, पड़ोसी भी देखते इनको चक्कर क्या है। अभी आएंगे थैला रखेंगे फिर दूसरा थैला लेके जाएंगे। मैंने तो कोई सामान ही नहीं मंगाया आपसे इन दिनों में, कौन सा सामान मंगाया मैंने? कर लो बात। सामान तो सारा महीने का एक साथ आता, कौन सा सामान? एक दूध। हाँ दूध और सब्जी तो लाते हो। और दूध भी लेने जाएंगे तो वहाँ पे बैठ जाएंगे छड़ी पे बातें करने। दूध लेने जाएंगे घंटे पर से वापस आते हैं दूध वाले, वो दूध वाला सब आता है मेरे पास ही बैठ जाए। देख भाई दूध लेता हूँ एक चाय पीता हूँ तो फिर अच्छा फिर ये मेरे को सब्जी लेने भेज देती है। अब सब्जी वाले के सब्जी छानने में बहुत टाइम लगता है, सब्जी वाले के सब्जी छानने में अरे बहुत टाइम लगता है। बताओ कर दो भाई मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं कि एक आदमी के बस की बात नहीं होती। अब सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाओ वहाँ से माल लेके आओ, ये स्टडी करके बैठे 3 बजे उठोगे जब जाके मंडी से जाके तो हमारे तो मंडी से टीपू पे और वो जाते हैं तेज भैया। क्या तू खाएगी पताशी? नहीं तो तू वही फिर अकेले के लिए क्या जाना? आज कैंसिल कल नहीं आज आज कैंसिल कल कल खिला लो उसको खिला लो यहाँ मत लाना देख फालतू। आप वो सो लो पताशी के चक्कर में से भूतरी घुस गई तू। यार मेरे को ये बता ये मेरी बात सुन, ये 10-20 रुपए की पताशी खाएगी 100 रुपए का तेल जलवाएगी। अरे राम पास तक जाने में कौन सा 100 रुपए का तेल जल रहा है आपका? मैं बताऊँ गाड़ी स्टार्ट होते ही जो है ना ये ओक लगा लेती। अच्छा एक काम करूँगी 20 रुपए की पताशी 25-25 रुपए की पताशी खा लूंगी, बाकी की आइसक्रीम ले आऊंगी। 100-100 का हो गया पूरा, हो गया ना 100-100 का मामला, बैलेंस खत्म। फिर तू तो एक काम कर पताशी खा ले राजा। और वहाँ उनको मिल गया और बेटी मिल गया उनको, गुटली मिल गया, मतलब जीजी भी गई थी मूवी देखने के लिए। यार मैंने भी वीडियो कॉल किया था उनको जस्ट अभी की, मुझे बेटी दिखा दो, लेकिन वो तो जा चुकी थी। सूरज है क्या भेजा है? क्या भाई की फैन फॉलोइंग देख ले। किसकी? भाई की, सूरज भैया की। ओ तारे सूरज भैया के फैंस। वाह ये हमारी सुरेश फैमिली है। थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग वैसे कहीं भी जाते हैं तो हमेशा मुझे हमें सुरेश फैमिली मिली जाती है, पर इस बार तो बहुत सारे तो देख के मुझे बड़ा बड़ी खुशी हो रही है। आप इस बार फ्रेम में आ रहे हो? क्यों नहीं आऊं? इनको भी वैसे आजकल लोग पहचानने लगे जहां भी जाते हैं। एक बात बता फ्रेम में क्यों नहीं आऊं? फ्रेम में क्यों नहीं? ये खुशी की बात है, फ्रेम में नहीं आऊंगा। अरे वाह, मैं वो थोड़ी कह रही हूं फ्रेम में मत आओ, लेकिन आप जैसे सपोज मैं खड़ी हूं तो ये ऐसे क्या कह रहे हैं? इनको भी ना लोग आजकल पहचानने लगे, इसलिए ऐसे बोलूंगी यार आजकल तो मेरे को अच्छे से रहना पड़ेगा है ना, क्योंकि लोग मुझे पहचानने लग गए। क्या इनकी आदत है ये, मतलब जैसे आपने देखा था ना मिनी ब्लॉग में, अच्छा मोजा होने के बावजूद भी ये फटा हुआ मोजा बनेंगे, वैसे इंसान है, बहुत ही कंजूस है। अरे कंजूस की बात नहीं है, बचत करनी चाहिए। वो एक ही बात होती है, जाओ वहाँ बचत करनी चाहिए। मोजा फटे हुए पहन लो अगर अच्छे हैं तो भी, वहाँ का एक बार बताओ आपके पास अच्छे मोजे हैं फिर भी आपने फटे हुए पहने, इसका ये मतलब है कि तेरी मम्मी ने दो दिए थे। तो वो क्या बोलो तो यार, देखो ये देखो ये देखो ये देखो पागल, ये तो गिरी रह रहे यार। किन में वजन डालो? किन में? अरे रख दो कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। सिर्फ इतनी सी पता सी लेने तू 1 घंटा लगा गया ये बोल। और अच्छा किस में कितने अच्छे कहाँ बैठा हूँ मैं,
ये रही गुजरात टीम एंड यहाँ से मैच एंजॉय कर रहा हूँ। ये जस्ट इस बैक शीट के पीछे से प्लेयर जाते हैं और यहाँ से हम इस बार का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है फिलहाल तक मैच देखने का। ये रही सारी टीम आगे गुजरात की साइड। वैसे मैच एक तरफा है, पूरा का पूरा गुजरात जीत चुकी है क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ गुजरात को। काफी रन था मगर हम लोग मैच देख के मैं आ चुका हूँ और आज गुजरात जीती क्योंकि मैं गुजरात को सपोर्ट कर रहा था। आज गुजरात वाली साइड में हम बैठे हुए थे और वहाँ पर जब पीछे इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने और अब दिल खुश हो गया मेरा तो मैच देख के। आज मैच के आप लोग को देख के इतना सारा प्यार दिया, मज़ा आ गया। आज मैं अकेले आया था क्योंकि मैं भैया के साथ आया था, तो बाकी टीम मेंबर्स फ्लैट पे थे, सब काम कर रहे थे और फिर भी वही सीन होता, आज भी आते तो सब अलग अलग हो जाते। तो यशी के साथ सब लोग शूट वूट कर रहे थे। कर रहे हो मेरे दोस्तों? देखो यहाँ पे शूट चल रहा है, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ तुम्हारा शूट। कहाँ है पताशी? दूध है तो रात को पताशी कहाँ से ले आई तू? अच्छा ये घर वाले तुम्हारे रोज ही पताशी ले आते हैं, ये सही है तुम्हारे? शाबाश, वेरी गुड। तुम्हारा शूट खत्म नहीं हुआ अभी तक? बस होने वाला है यार। गाइस मजा आ गया आज तो मैच देख के। और हाँ यार बता, मतलब मजा मेरे को तो इसलिए आया क्योंकि मेरे बहुत अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर मैंने दिखाया वो व्लॉग में, अभी मैंने रिकॉर्ड किया था कि तो इसलिए मजा आ गया। बाकी मैच तो इतना बोरिंग था, मैं तो सही गया, मैं क्या पहुंचा ही गुजरात की बैटिंग पे। अच्छा तो मैंने तो सिर्फ चौके छक्के देखे, बाकी उससे पहले तो भाई उससे पहले विकेट विकेट देख रहे थे सब, बहुत बोरिंग है। 120-130 रन ही बनाए बस। 117 हाँ 117 रन, वेरी बोरिंग। कोई बात नहीं, पर तुझे अच्छा लगा सुनील शाह जी से? यस, मजा आ गया। अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर को फूड देने के लिए। क्या हो गया? अरे आलू का मसाला खाया था, गले में लग रहा है। अरे मतलब क्या, मना कर दिया उसने। अभी प्रशांत का मैसेज आया था कि भाई कुछ खाने का बनाया तो लिया। हम जब ले रहे थे अभी व्लॉग रिकॉर्ड करते करते मैसेज आ गया कि बोले मत ले के आना। क्यों मंगा लिया उसने? शायद खाना नूडल्स। चल नूडल नूडल रात को रोज, इसका मतलब समझ। मुझे हम पोया ले चलती हूँ। इसके क्या हो गया? ले 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 पावस पानी में पानी चल रहा है, चल पानी में पानी। आज है पोया, प्लीज है पोया। आज तो लेट हो गए। नहीं हुए टाइम देते हैं, चलते हैं चलते हैं। हाँ चलते हैं चलते हैं, क्योंकि बच्चों की तरह जिद कर दी। 11:30 हो गई यार, प्लीज पहले भागो चलो। क्या लाना है वहां से? कल चलेंगे कल यार, प्लीज प्लीज यार। मैं फायर नूडल्स खाने को बहुत तेज बोल रहा है अभी भी। हाँ। अरे मोटी यार मेरी दिक्कत है, मेरे जीवन में एक दिक्कत, मैं बताती हूँ। अगर मैं कुछ मुझे अच्छा लग जाता है सपोज खाने में, तो मैं उसको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा पेट खराब नहीं होता। ठीक है, डॉग्स दोस्तों से मिलवाते हैं। यहाँ पर ये दोनों हैं यशी के पक्के दोस्त, ये हमारे पूरे एरिया के सबसे आलसी दो डॉग्स हैं, जिनको खाना आने पर भी इनके पास रख के जाओ, खुद नहीं आएंगे कभी भी। ये यशी के फेवरेट डॉग्स हैं। बोलू बोलू से हैं दोनों ही, क्यूट क्यूट है दोनों। हाँ। ओके, ये भी तो आलसी है ना, तो इसको फिर आलसी ही लोग पसंद आए। तभी मुझसे ज्यादा लड़ाई होती है इसकी, मैं क्या मेहनती ज्यादा हूँ। भाई ये क्या बोल रहे, सुन ले। क्या हो गया? मैं इसे बोली कि ये यशी भी आलसी है इसलिए इसको आलसी ही पसंद आए, क्योंकि बोलते जब भी मेरी लड़ाई होती है मैं क्या मेहनती हूँ ना इसलिए। कोई मत उतरना, देखो बेकरी लेकर आ गई सीधे नूडल्स लेने इसको। चल भाई यहाँ से। येरी 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 खुद भी तो चाइना की खराब ही रहता है। फ्लैट पहुंच चुके हैं एंड गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।